अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों? अल्लाह के फजलो करम से अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आइए दोस्तों, आज हम एक डिश बना रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। ये ठंडी के दिनों में खाना चाहिए। ठंडी के दिनों में खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती है, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द ये सब नहीं होता है ये लड्डू खाने से। और स्कूल जाने वाले बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ये बच्चों को भी खिलाने से उनका दिमाग भी तेज़ हो जाता है और उनकी भी सेहत अच्छी रहती है। आइए, मैं आज बना रही हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। कैसे बनते हैं देखिए। आज मैं बना रही हूँ ड्राई फ्रूट्स लड्डू। ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू के लिए देखिए, सब मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ये है गुड़ और ये घी है और चार मग्स ये गोंद है। इसको हमें अभी फ्राई करना है, फ्राई करके और हमें इसको बारीक से पीस लेना है। और बादाम, ये सौंफ, काजू, किशमिश, ये खोपरा और ये खजूर और ये हैं मखाने। इन सब चीज़ों को हमें घी में फ्राई करना है। पहले तो हमें ये खोपरे को कसना है, कस के इसकी सली बनाना है, फिर उसको भी फिर हम फ्राई कर लेंगे। पहले तो ये सब चीज़ें हम फ्राई करेंगे और अभी पहले मैं स्टार्ट खोपरे का करती हूँ। देखिए, इस तरीके से हमें ये खोपरा ऐसा कस लेना है। ये देखिए, अभी मैं घी डाल रही हूँ। अभी इसमें हमें काजू बादाम फ्राई करना है। अभी ये जैसे मेरा घी गर्म हो जाएगा, मुझे फ्राई करना है अभी ड्राई फ्रूट। ये देखिए, हमारा घी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें काजू। ये हमें हल्के हल्के फ्राई करना है काजुओं को। हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, सिर्फ हल्के करना है। देखिए, मेरा घी क्या है ना, गर्म हो चुका था ज़्यादा, इस वजह से थोड़ा लाल हो गया ये। अभी डाल रही हूँ ये बादाम। ड्राई फ्रूट हम ज़्यादा डालेंगे ना तो अच्छा रहेगा। मैं खोपरा कम डाल रही हूँ, ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाल रही हूँ। अब ये ठंडी का मौसम है, ठंडी के मौसम में ये सब चीज़ें खाना बहुत फ़ायदेमंद है। ये देखिए, हमें इसी तरीके से बस हल्के हल्के से फ्राई कर लेना है और हमें फिर इसमें को मिक्सी में पीस लेना है, दरदरा सा पीसना है। और ज़्यादा भी नहीं दिखा मुझे, और ज़्यादा हमें बारीक में ही पीसना है, हमारे मुंह में आना चाहिए, इस तरीके से पीसना है। अरे, ये है हमारा चार मग्स। ये चार मग्स भी बहुत फ़ायदेमंद है। चार मग्स से बच्चों का दिमाग में अच्छी, जैसे कि मतलब पढ़ाई में जो बच्चे कम रहते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है, और हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। ये ठंडी के ही लिए नहीं है, जैसे 13-14 साल की लड़कियां हो जाती है उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, ये लड्डू बनाकर खिलाना ड्राई फ्रूट के। और न्यू बेबी घर में आ जाती है तो न्यू बेबी की मम्मा के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सब ड्राई फ्रूट का हमारा लड्डू बहुत फ़ायदेमंद है और ठंडी के, ख़ास करके ठंडी के दिनों में तो ज़्यादा फ़ायदेमंद। ये देखिए, बीज किस तरीके से उड़ रही है। अगर इसमें थोड़ा सा भी टाइम लग जाता है तो ये ऐसे ही उड़ने लग जाती है। ये देखिए, मुझे मैंने फिर से घी डाली हूँ। ये अभी हमें मखाने फ्राई करना है। मखाने थोड़ा हमें अच्छे फ्राई करना है क्योंकि अभी ये मौसम ठंडा है ना, बारिश का, तो वो मखाने हमारे नरम हो जाते हैं। अच्छे से फ्राई करेंगे तो मिक्सी में हमें पीसने के लिए अच्छा रहेगा, वरना नरम रहते हैं तो वो अक्खे अक्खे ही रह जाते हैं। ये देखिए, ये हो गए हमारे भी मखाने। अभी इन्हें थोड़ा हमें अच्छा फ्राई कर लेना।
फ्राई अच्छे होंगे तो ये कुरकुरे हो जाते हैं। सातवीं आठवीं पढ़ने वाली लड़कियों के लिए तो ख़ास करके बहुत ज़रूरी है ये, उन बच्चियों को तो ज़रूर खिलाएं जो सातवीं आठवीं बच्ची लोग पढ़ती हैं, उनको तो ज़रूर खिलाएं ये। हमें मौसम से कोई लेना देना नहीं है, बस इस एज की लड़कियां हो जाए तो उनको खिलाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे मखाने भी, ये देखिए कलर बदल गया ना हमारे मखाने का। इस तरीके से इसको भूनना है। ये देखिए माशाल्लाह जी कितने अच्छे हो गए, कुरकुरे से हो गए ये। अभी हमें इसके बाद अभी गोंद है ना, गोंद को अभी फ्राई करना है हमें। ये देखिए अभी तपेली में हमारा घी सूख गया है, अब मैं इसमें सौंफ को भून रही हूँ। हमें सौंफ को भी थोड़ा हल्का भून लेके फिर इसको हमें मिक्सी में पीस लेना है। ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाएंगे हम, इसमें सौंफ डालेंगे तो थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, खुशबू आती है सौंफ की, बच्चे बड़े सब खाएंगे तो अच्छा लगता है। अभी हमें गोंद फ्राई करना है। गोंद फ्राई करने के लिए हमें घी ज़्यादा लगता है, हमें घी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और गोंद को हमें ज़्यादा फ्राई करना है, जैसे कि हम मकाई के दाने डालते हैं तो हमारी मकाई कैसी अच्छी फूल जाती है, उस तरीके से हमें ये गोंद फूलना चाहिए हमारा। घी अच्छा गर्म हो जाए तो फिर हमें इसमें, ये देखिए ये गोंद है, मैं अभी ये गोंद इसमें डालूंगी गर्म होने पर। ये हो गया हमारा घी गरम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए किस तरह फूल रहा है। इसे गरम गरम में ही हमें पीसना है, किसी जैसे कि गिलास की मदद से या वाटी या प्याले की मदद से हमें इसको जल्दी जल्दी से भून ले पीस लेना है, वरना ये फिर नरम पड़ जाता है तो पीसे नहीं जाता है और हम खाएंगे तो फिर दांत में लगता है वो। कर लो ना पहले। ये देखिए हो गया इस तरीके से, हमें और बाकी सारा गोंद इसी तरह भून लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है वरना सब चिपक जाएगा, ज़्यादा हम डालेंगे ना चिपक जाएगा। ऐसी होना चाहिए एक एक दाना अलग, देखिए किस तरीके से एक एक दाना अलग हो रहा है। इस तरीके से होगा तो ये जल्दी से पीसा जाएगा। ये देखिए हमें गरम गरम में ऐसे पीस लेना है इसको, अगर ये ठंडा हो गया तो ऐसे पीसा नहीं जाएगा। कितना अच्छे से भुना गया है हमारा गोंद, देखिए कितनी अच्छी आवाज आ रही है इसकी, माशाल्लाह एकदम कुरकुरा हो गया है। अभी ड्राई फ्रूट सारे पीस के हमें ये ड्राई फ्रूट में इसको मिक्स करना है। ये देखिए सारा हमारा कैसे पाउडर बन गया, ये इस तरीके से हमें पीस लेना है। अभी और मैं गोंद भून रही हूँ, अभी मैं इतना बताई हूँ, अब बाकी का मैं और फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए हमने ये सारे ड्राई फ्रूट को मिक्सी में पीस लिया है। ये है हमारा गोंद है, इसको भून के इसको भी हमने पीसा है। और ये खजूर है, खजूरों को ये देखिए सूखे खजूरों को हमने इस तरीके से बारीक पीस लिया है। ये मखाने हैं और ये किशमिश, बड़ी बड़ी किशमिश थी तो इसको एक में से दो कट कर लिए हैं। और ये चार मग्स, ये सौंफ को भी पीस लिया भून के। और ये हैं ये मखाने हैं ना कि काजू बादाम है, हाँ काजू बादाम मखाने। और ये देखिए खोपरा भी हमने इस तरीके से इसको कस लिया है। और ये गुड़ को भी हमने इस तरीके से बारीक किया है। अब इन सब चीज़ों को हमें करना है मिक्स। अभी हम इसको मिक्स करेंगे फिर उसके बाद में हम इसको गैस पे रखेंगे। चलिए अभी हम इसको सबको मिक्स करते हैं।
देखिए हम सब चीज़ों को अच्छे से हमें करना है अभी मिक्स। अच्छे से हमें ये गोंद को तो बहुत अच्छी तरीके से ऐसे मसल मसल के हमें इसमें मिक्स करना है, वरना एक ही जगह रह जाएगा गोंद। गोंद को अच्छे से मिक्स करना, देखिए देखिए गोंद कैसे बाहर निकल जाता है, इसलिए गोंद को ही ज़्यादा अच्छा इसमें मिक्स करना है। हालांकि मैंने अच्छे से इसको गोंद को फ्राई की हूँ, फिर गिलास से इसको अच्छे से पीस ली हूँ, फिर भी देखिए कैसे वो अलग अलग हो रहा है, इसलिए हमें गोंद को अच्छा मिक्स करना है। ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट पूरे मिक्स हो चुके हैं, अभी हमें गुड़ को अभी पिघलाना है। चलिए अभी ये देखिए ये अभी सौंफ भी डालना है हमें। अगर सौंफ का आपको पसंद है टेस्ट तो सौंफ डाल सकते हैं, या तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमारी तपेली सूख गई, हमें इसमें डालना है थोड़ा सा पानी। ये हमने पानी डाला, अभी ये हमारा गुड़ जाएगा इसमें। हमें इसे हल्का सा गुड़ को नरम करना है, इसकी चाशनी नहीं बननी। ये देखिए ये हमारा गुड़ पिघल रहा है, देखिए इसमें उबाल आ गया गुड़ में। हमें ज़्यादा नहीं पकाना, ज़्यादा हम पकाएंगे इसको तो फिर वो तो तार बनने लग जाएंगी और चाशनी बन जाएंगी, तो एकदम कड़क हो जाएगा। ये हमें इसको कच्चा ही रखना है, हमें तार नहीं बनने देना है। ये देखिए अभी अंदर एक एक कनी बाकी रह गई है गुड़ की, सिर्फ गुड़ पिघलने देना है। जैसे है ये गुड़ पूरा पिघल जाएगा तो फिर हमें उसमें वो पीसे हुए पूरे ड्राई फ्रूट डालना है। ये देखिए हाँ, ये देखिए हमारा सारा गुड़ पिघल चुका है, अभी हमें ये ड्राई फ्रूट डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं आना चाहिए। ये देखिए हमने ये गुड़ की चाशनी में अभी इसको सबको हम डाल दिया, अब मिक्स कर रहे हैं ये सारे ड्राई फ्रूट को। हमें अच्छे से मिक्स करना है और गरम गरम में ही हमें लड्डू बनाना है। और जो हमने अभी गोंद को फ्राई किए थे वो घी बच गया है, तो ये घी भी हमें इसी में डाल देना है। ये देखिए अच्छे से पूरा मिक्स करना है ताकि ये अच्छा से गर्म हो जाए और पूरा हमारा गुड़ इसमें मिक्स हो जाए, तभी हम इसके लड्डू बना पाएंगे। ये देखिए अभी हमें ये गरम गरम में ही हमें लड्डू बनाना है, हम गरम गरम में बनाएंगे तो ही हमारे लड्डू माशाल्लाह अच्छे बनेंगे। ये देखिए कितना सारा घी है और गरम गरम है, इसमें गरम में ही अच्छे लड्डू बनते हैं। ये देखिए हमारा लड्डू बन गया। इस तरीके से हमें सारे लड्डू बनाकर रखना है और ये ठंडे हो जाएंगे तो ये खुद ही लड्डू जम जाएंगे। बहुत गर्म है सच्ची में, बहुत हाथ जल रहा मेरा, चटका लग रहा है। नहीं तो क्या जमेगा नहीं, क्योंकि हमने ना ही इसमें बेसन डाला है और ना ही रवा ना आटा डाले हम मखाने हैं इसमें और सारे ड्राई फ्रूट्स है, उसको अच्छे से बारीक पीसे हैं, इस वजह से ये हमारे ऐसे लड्डू जम रहे हैं, आटे की बेसन की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत से लोग आटा डालते हैं, कोई बेसन डालते हैं जमने के लिए, ये गुड़ की चाशनी से क्या खुद ही जम जाता है, बस हमें इसे अच्छे से दबा दबा के बनाना है बस। ये देखिए हमारे लड्डू बनके हो गए तैयार। ये ड्राई फ्रूट लड्डू कैसे बने हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलता है, हमें अच्छा लगता है, तो हम और वीडियोस बनाते हैं। चलिए दुआएं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।